कल रात को और आज पूरे दिन 3 बजे तक लगभग सभी प्रमुख विषयों के ऊपर चर्चा हो गई। कुछ इम्पोर्टेंट रिजोल्यूशन भी हमने पास किए हैं और खास करके इंडिया अलायंस की कोऑर्डिनेशन कमेटी, 14 मेंबर कोऑर्डिनेशन कमेटी, उनका स्ट्रक्चर हो गया है। बाद में कैंपेन कमेटी है, वर्किंग ग्रुप ऑफ सोशल मीडिया है, वर्किंग ग्रुप ऑफ मीडिया है और वर्किंग ग्रुप ऑफ रिसर्च है। ये 4 प्रमुख कमेटी का भी गठन हुआ है और सभी अलायंस पार्टी के मेंबर्स उस कमेटी में इंक्लूड कर दिए हैं। 2 पॉलिटिकल रिजोल्यूशंस भी है, उस बारे में आपको आदित्य ठाकरे जी बताएंगे। और जिस तरह से ये इंडिया गठबंधन की ताकत बढ़ रही है, जैसे मैंने कल कहा कि 2024 का चुनाव हम जीतने जा रहे हैं, और मैंने ये भी कहा गठबंधन की तरफ से, अब इंडिया को हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, इस प्रकार का एक मजबूत गठबंधन हमने बनाया है। लगभग सभी नेताओं ने इस चर्चा में पार्टिसिपेट किया है, अपने विचार भी व्यक्त किए हैं, कुछ सुझाव भी दिए हैं। प्रमुख नेता आपसे डायलॉग करेंगे, उसके बाद आपके सवाल, बहुत ही सिलेक्टेड सवाल के जवाब दिया जाएगा, लेकिन ये आधा घंटे के ऊपर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं चलेगी, आपको मैं बताना चाहता हूँ। कमिटी का पूरा जो ब्यौरा है या पूरी कमिटी है उसका लिस्ट आपको दी जाएगी, यहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो मेन कमिटी है, कोऑर्डिनेशन कमिटी, 14 मेंबर, सिर्फ उसके नाम मैं आपके सामने पढ़ लेता हूँ। श्री केसी वेणुगोपाल, इंडियन नेशनल कांग्रेस, श्री शरद पवार जी एनसीपी, श्री टी आर बालू डीएमके, श्री हेमंत सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा, श्री संजय राउत शिवसेना, श्री तेजस्वी यादव आरजेडी, श्री अभिषेक बैनर्जी टीएमसी, श्री राघव चड्डा, प्रिंट आउट ऑलरेडी गिवन, मुझे लगता है अब पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं अभी, यू आर नॉट रिसीव्ड, तो ठीक है। तेजस्वी यादव आरजेडी, अभिषेक बैनर्जी टीएमसी, राघव चड्डा आप, जावेद अली खान समाजवादी पार्टी, लल्लन सिंह जनता दल यूनाइटेड, डी राजा सीपीआई, ओमर अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस, महबूबा मुफ्ती पीडीपी, सीपीआई एम का नाम आ जाएगा, लेकिन बाकी जो कमेटी के